हेलो गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। क्याश के स्कूल में पिकनिक था तो ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर द पिकनिक। हमने अपना न्यू टीवी भी लगवाना था तो सुबह सुबह ही इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ गए थे, तो वो सब भी साथ चल रहा था। ये क्याश का आज का लंच था। आज क्याश को दिया था छोले पूरी और आलू, साथ में मैंने उसके पिकनिक बैग में एक ड्रेस डाल दी थी और उसके कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, एक हैंड टॉवल है, छोटी छोटी वाटर बॉटल्स दे दी हैं। क्याश ने अपना फ़ैन रखा है तो उसका बैग पिकनिक के लिए बिल्कुल रेडी है। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, क्याश को भी स्कूल जाना था और टीवी भी लग रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा दोनों रिकॉर्ड कर पा रही थी। ये है हमारा ह्यूज ह्यूज टेलीविजन सेट। आई गेस हमने शॉप का सबसे बड़ा टीवी लिया है। हमारा पहले से ही डिसाइडेड था कि हम टीवी थोड़ा बड़ा लेंगे, थोड़ा बड़ा इन द सेंस कि हम रेगुलर 30-40 इंचेस वाला टीवी नहीं लेंगे जो सबके घर में होता ही है नॉर्मली। तो हमें चाहिए था बड़ा वाला टीवी सेट, तो इसलिए हमने 65 इंचेस का टीवी लिया, विच इज़ सो बिग। देख के बहुत मज़ा आ रहा था। तो फाइनली इट्स ओपनिंग एंड वी आर गोना इंस्टॉल द टीवी सेट। सो दिस इज़ द सैमसंग स्मार्ट टीवी जो अपनी रेंज में हाईएस्ट है एंड इट्स विद क्रिस्टल अल्ट्रा HD स्क्रीन। ये 163 सेंटीमीटर का है एंड इट्स विद नो बॉर्डर, विच मीन्स इसका कोई फ्रेम नहीं होता एंड फुल स्क्रीन इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है, विच इज़ रियली रियली नाइस टू वॉच। दिस टीवी हैज़ मैनी स्मार्ट फीचर्स, इट कैन वर्क ओनली विद द वाईफाई। ये इसके साथ एक केबल है टीवी कनेक्टिविटी के लिए, साथ में इसके साथ रिमोट दिया हुआ है। रिमोट के मैं आपको फीचर्स बताती हूँ। इट्स रियली अ स्मार्ट रिमोट, दिस इज़ अ यूज़र गाइड एंड द मैनुअल विद द केबल अडाप्टर जो अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस टीवी में क्रिस्टल HD स्क्रीन दी गई है और साथ में हाई रेजोल्यूशन होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी एंड द कलर्स आर वेरी वेरी फाइन, वेरी सुपर्बली डिज़ाइन। नॉट ओनली टीवी बट इसका रिमोट भी बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। लेट मी शो यू। वो इसका रिमोट तो बड़ा स्टाइलिश है, चुटकू सा रिमोट है इसका, बड़ा स्टाइलिश। तो ये है इसका छोटा सा क्यूट सा रिमोट, विच इज़ रियली रियली सुपरबली डिज़ाइन। इसमें एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है तो आप इसको चार्ज कर सकते हो। येस आई एम सेइंग राइट, इस रिमोट को आप चार्ज कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बैटरीज लगाने की, सो इट्स टोटली वर्थेबल। आई मीन आपको बैटरीज पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, साथ में सोलर चार्ज भी होता है। इस टीवी को बहुत ही एग्रोनॉमिकली डिज़ाइन किया गया है, इसकी कनेक्टिंग केबल का हेड भी बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और इसका रिमोट तो है ही स्मार्ट। जब ये प्रॉपरली वर्क ना करे तो इसे हम सोलर लाइट से भी चार्ज कर सकते हैं। सो मुझे तो इसके फीचर्स बहुत पसंद आए और बहुत ही डिफरेंट हैं। सो दिस इज़ द अनबॉक्सिंग ऑफ आर टीवी। फाइनली आज टीवी इंस्टॉल हो रहा है एंड नाउ वी आर गोना वॉच द टीवी। स्पेशली क्याश वॉज वेटिंग कि कब टीवी लगेगा, कब वो वॉच करेगा। सो दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज टीवी सेट। आई एम नॉट श्योर कि आपको स्क्रीन पे कितना समझ में आ रहा है, बट इट्स रियली रियली सो ह्यूज। सो इतने बड़े टीवी को लगाने के लिए हमें जो टीवी का स्टैंड लेना पड़ा वो भी बड़ा वाला लेना पड़ा, नॉर्मल स्टैंड पे नहीं सेट हो सकता था, तो हमने बड़ा वाला टीवी का स्टैंड लिया है, आई मीन हैवी वाला। कि टीवी इतना बड़ा है तो इसका वेट भी है और मैं नहीं चाहती थी ये टीवी हम नीचे टीवी कैबिनेट पे रखें, ऑल्दो हमने टीवी कैबिनेट टीवी के लिए ही बनवाया था, बट नाउ वी आर नॉट गोना पुट दिस टीवी ऑन द कैबिनेट। सो हमने इसके लिए अलग से स्टैंड लिया है सो दैट कि ये वॉल माउंट रहेगा और सेफ रहेगा, बिकॉज इट्स रियली बिग, सो इसको नीचे रखना सेफ नहीं था। इसको वॉल माउंट करने में भी काफ़ी टाइम लग गया, आई मीन इसको सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी टाइम टेकन था जस्ट बिकॉज इसे लूजली नहीं छोड़ सकते थे, प्रॉपरली हैंग करना ज़रूरी था। तो फाइनली हमारा टीवी इंस्टॉल हो गया, बस सेंटर में आ जाएगा ना। हाँ इतनी हाइट ठीक है, ठीक है ठीक है। और इसके साथ ही मैंने ये वॉल हुक्स भी लगवा लिए थे बिकॉज ड्रिल मशीन से ही ये सारा काम होना था, ये भी साथ में ही लगवा लिए थे। मैंने कुछ प्लांटर्स मंगाए थे, आपके साथ वीडियो में शेयर भी किए थे, सो वही प्लांटर्स मुझे हैंग करने थे, तो ये हैंगिंग हुक्स भी मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में, तो यही सब मैं लगवा रही थी सो दैट मैं इस पर प्लांट्स हैंग कर सकती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स नीचे सरफेस ले रहे हैं तो मैंने कुछ स्टैंड्स मंगा के उन प्लांट्स को हैंग करा दिया था। बहुत सारे काम है जो साइड बाय साइड चल रहे हैं,
तो सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट से कर सके, बिकॉज काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है हमें यहाँ आए हुए, बट अभी घर पूरा सेट नहीं हो पाया बिकॉज बीच बीच में या तो बिजी हो जाते हैं और कामों में, या फिर जैसे मेरी तबीयत खराब हुई तो बीच में 2 महीने 1.5 महीने का तो ऐसे ही ब्रेक हो गया। सो नाउ वी आर अगेन स्टार्टिंग द वर्क क्विकली, हम सोच रहे हैं कि फटाफट से घर सेट कर लें पूरा। तो मैंने यहाँ पर इस वाली वॉल पे 3 हुक्स लगवाए हैं, ये कैंश के रूम की बैल्कनी है, सो यहाँ मैंने 3 प्लांटर्स लगाने हैं, तो उसी के लिए मैंने हुक्स लगवा दिए हैं और यहाँ पर प्लांट्स हैंग करेंगे। आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं प्लांट्स इस पर हैंग कर दूंगी। तो ये सेट हो गया। ये मैंने प्लांटर स्टैंड भी ऑनलाइन मंगाए थे, ये भी आपसे शेयर किए थे, कुछ लगा चुके हैं, बाकी अभी लगा रहे हैं। तो ये व्हाइट कलर के मैंने अपनी बालकनी के लिए मंगाए हैं, तो ये यहाँ पर लगा रहे हैं, और ब्लैक कलर के भी सेम मंगाए थे, वो कांच की बालकनी में लगा दिए। तो यहाँ पर सारे प्लांट्स स्टैंड कर रहे हैं, जितने भी प्लांटर स्टैंड्स मंगाए थे वो सब लगा दिए हैं। और इसके बाद मैंने दिया जला लिया था टीवी की पूजा करने के लिए, बिकॉज अभी नया टीवी लगाया है, तो पहले एक बार इसकी छोटी सी पूजा कर लेंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे। मेरा थेरेपी का भी स्केड्यूल था, तो इसके बाद मुझे थेरेपी के लिए भी जाना था। सो पहले मैंने पूजा कर ली थी, छोटी सी एक पूजा कर ली थी टीवी की, सो इट्स ऑल डन, और अब हम टीवी स्टार्ट कर सकते हैं। बंद कर लो, नीचे आएगी तब ना। आफ्टरनून का मेरा थेरेपी का स्केड्यूल था, तो इसलिए हम निकल गए थे थेरेपी के लिए, बट रास्ते में काफ़ी जाम भी था तो थोड़ा टाइम लग गया था जाने में। कैंश का पिकनिक डे था तो उसे स्कूल से पिकअप करने भी खुद ही जाना था, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें टाइम से ख़त्म करनी थी। तो थेरेपी हो गई थी मेरी ओवर, थेरेपी करा के हम आ गए थे, और रास्ते में जाते हुए भी ना हमें बहुत जाम मिला तो थोड़ा टाइम वहाँ भी लग गया था। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सीधा ही कैश के स्कूल जाएंगे उसे पिक करने के लिए। तो हम उसके स्कूल आ गए थे, और तो यहाँ पर हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा बिकॉज थोड़ा सा उनका टाइम लेट हो गया था। कैश के पापा गए थे स्कूल के अंदर उसे पिक करने, और मैं बाहर ही वेट कर रही थी। कैश स्कूल से बाहर निकला तो वो पापा की गोदी में ही आया था, पहले मुझे लगा शायद वो मतलब मूड में है अपने तो इसलिए पापा की गोदी में आया, बट लेटर आई गॉट टू नो कि कैश को पैर में छोटी चोट लग गई थी। ऑल दो उसका पूरा पिकनिक डे सही गया था, उसकी मैम ने मुझे मैसेज कर दिया था कि लेटर मतलब एट द एंड उसे थोड़ी चोट लग गई थी पैर में, तो इसलिए कैश वॉक नहीं कर पा रहा था तो वो गोदी में आया था। हेलो कैश, क्या हो गया बेटा? चोट लग गई पैर पे। उसमें भी ऊपर पानी गिरा था। अरे वाह, और हवा भी आई थी। अच्छा, और मैं ग्लासेस लाए थे दूसरे वाले। गुड बच्चा, पापा की गोदी में आया है इसलिए। और हमने वो भी किया था, क्या कहते हैं, क्या किया, दूर गए। हाँ दूर गए, चलो। और हमने पता क्या देखा, जब हम स्कूल से निकले तो उसके थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, और मौसम अगेन बहुत अच्छा हो गया था। हम ब्रेकफास्ट करके भी नहीं निकले थे, और हमें काफ़ी टाइम भी लग गया पहले थेरेपी सेशन के लिए और उसके बाद ट्रैफिक जाम में। सो बाय दिस टाइम वी वर रियली हंग्री। कैश को पिक करते करते हमें 5 और 5:15 हो गए थे, तो हम रास्ते में एक जगह मार्केट में रुके थे थोड़ा सा खाने के लिए कुछ लेने के लिए, और कैश के पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी यहाँ सेंटर में, तो काफ़ी ज़्यादा स्वॉलन आउट था ये। स्वेलिंग हो गई है ना बाबू, वैसा नहीं कि पैर में कुछ। बैग ले आए, आराम से आराम से। दादी गई है, नानी कहाँ जाएगी? दादी है तभी। घर आने के बाद मैंने कैश की कोल्ड आइसिंग करी थी, थोड़ा सा उसको सिकाई करी थी कोल्ड पैक से, सो दैट की स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो जाए, और साथ में हम थोड़ा बहुत खाने का भी ले आए थे, तो मैंने फटाफट से चाय बनवाई थी और साथ में खाना खाया। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी इस टाइम तक। सूजा पे है ना, देख रहे हो पूरा हिस्सा सूजा है, दर्द कर रहा है एकदम। पैर मुड़ा है ना, ए बॉल दे उत्ते कूदया, बॉल अग्गे खिसक गई ना, उदे करके एनु चोट लग गई है। कैश चेंज करके सो गया था बिकॉज उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। हाँ, मैंने सॉक्स उतारी थी ना इन्हें गड्डी, तभी मैं देखा सी आधा पैर ना पूरा बच्चों दी सूज गया सी, कह रहे ना शूज में दर्द हो रहा है। बस में हाँ बेटा, धीरे ही हो रहा है बेटा,
ठीक हो जाएगा ये थोड़ा तेल वेल लगा के ना। नानी ने आयोडेक्स लगा के एक गर्म पट्टी बांधी थी क्यांश के पैर पे और फिर वो सो गया था। आफ्टर डिनर हमने टीवी सेटअप किया, उसका पूरा सेटिंग्स वगैरह करी और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना व्लॉग चलाया। सो आज का दिन तो बहुत ही बिजी था और टायरिंग भी था, बट यस इट वॉज वर्थफुल। हमारा नया टीवी सेटअप हो गया है एंड वी आर रियली हैप्पी। सो दिस वॉज टूडेज ब्लॉग। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।